लेट अस स्टार्ट योर स्नैप इंटरव्यू फॉर आरसीसी एज यू हैव इंटरव्यू इन बीएआरसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर, माय नेम इज गोविंद प्रजापति। आई कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम जेसीआरसी, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर फ्रॉम जयपुर। आई कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम द माय विलेज ओनली। माय फादर इज इन अ टीचिंग प्रोफेशन एंड माय मदर मैनेजिंग द और हाउस होल्ड एक्टिविटीज। आई हैव वन ओल्डर ब्रदर एंड टू ओल्डर सिस्टर। ओके, सो टेल मी द अजम्पशंस इन द एलएसएम दैट वी हैव फॉर फ्लेक्सर। सर, फर्स्ट असम्पशन इज प्लेन सेक्शन बिफोर प्लेन आफ्टर बेंडिंग बिफोर बेंडिंग एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट इज जीरो पॉइंट जीरो सो जीरो व्हाट डिड थ्री मीन फाइव गोविंद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यस दिस फर्स्ट सर अजम्पशन? सर मीनिंग ऑफ फर्स्ट असम्पशन देन डेट इन न्यूट्रल एक्सिस एंड द स्ट्रेन इज लीनियरली वेरी विद द वाई, मतलब डेप्थ ऑफ वाई ओके, सेकंड एंड अजम्पशन। मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इज 0.0035 इन कंप्रेशन एंड स्ट्रेन इन स्टील इज नॉट लेस देन 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES एंड द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द लोडिंग एंड द व्हाई स्ट्रेन इन डे। कंक्रीट, व्हाई स्ट्रेन इन कंक्रीट हैविंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू 0.0035, बट इन स्टील द स्ट्रेन हैविंग द मिनिमम वैल्यू 0.002 प्लस 0.87 Fy/Es। बिकॉज सर कंक्रीट में सर 0.0035 स्ट्रेन के बाद में जाएगा ना, तो वो कंक्रीट फेल कर जाएगा और स्टील के अंदर अपन को स्टील के अंदर और भी मतलब स्ट्रेन आने के चांसेस रहते हैं, तो अपन इसको कम लिमिट के लिए डिजाइन करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीफ्रेम कर रहा हूँ फिर से गोविंद। कंक्रीट में यस आपने सर अल्टीमेट स्ट्रेन लिखा, लेकिन यस स्टील सर में आपने अल्टीमेट स्ट्रेन नहीं लिखा, ऐसा क्यों? क्योंकि स्टील में अल्टीमेट स्ट्रेंथ सर, स्टील में सर ये वो प्लास्टिक स्ट्रेंथ सर बहुत ज्यादा होती है, तो अपन जनरली स्टील को कम स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन करते हैं। प्लास्टिक स्ट्रेन दो जगह होती है, मतलब दो जगह नहीं सर, प्लास्टिक स्ट्रेंथ स्टील के अंदर सर स्टील ज्यादा यील्ड करने की मतलब कैपेबिलिटी रखता है एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट, मतलब स्ट्रेंथ की भी ज्यादा हो सकती है स्टील के अंदर। नहीं तो अगर आप अल्टीमेट स्ट्रेन कंसीडर करोगे स्टील में, वो तो और भी ज्यादा आएगा इससे। यस सर तो आपने सर ये लेकिन सर क्यों वो जो जो मटेरियल जो अपन मटेरियल यूज करेंगे सर, वो अगर ज्यादा स्ट्रेन के लिए अपन डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो सर वो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आने के चांसेस हो जाएंगे, तो स्टील को अपन कम स्ट्रेन के लिए लिमिट कर देंगे। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आएगी? सो व्हाट यू थिंक, ये जो आपका स्ट्रेन निकला 0.002 प्लस 0.87 Fy/Es, अगर इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होता और लोड आप हटा दोगे तो डिफॉर्मेशन डिसअपीयर हो जाएंगे, ये बोल रहे हो यस सर आप? यू आर सेइंग कि जो स्ट्रेन है स्टील में 0.002, पेपर पेन लेके बैठे हो यस सर आप, लिख लो जो आप स्ट्रेन बोल रहे हो स्टील में 0.002 प्लस 0.87 Fy/Es। यस अगर सर स्ट्रेन इतना हुआ स्टील में जो आप बोल रहे हो, अगर स्ट्रेन इतना हुआ स्टील में और अगर हम लोड हटा दें उसके बाद, तो स्ट्रेन स्टील में इतना होने के बाद, लोड हटाने के बाद स्टील अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेगा एज पर योर स्टेटमेंट, सही है क्या ये? नहीं सर, नहीं कर पाएगा तो प्लास्टिक स्ट्रेन सर, के क्योंकि लिए सर वो थोड़ा वैल्यू इलास्टिसिटी के वैल्यू सर 0.002% मतलब 0.2% स्ट्रेन के लिए ये अपन फाइंड आउट कर सकते हैं डक्टाइल मटेरियल में। सर अगर इसकी वैल्यू स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 तक रहेगी, तो सर फिर लोड हटाने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल रीजन में आ सकता है। तो आपने तो बोला स्टील में स्ट्रेन तो इससे ज्यादा ही होना चाहिए एलएसएम में, तो अगर इतना नहीं होगा तो आप स्टील को यहाँ पे फिर यूज नहीं कर पा रहे हो। यस सर क्या आपको सवाल क्लियर है कि स्टील में हम क्यों नहीं अल्टीमेट स्ट्रेन लेके चलते हैं, जबकि कंक्रीट के यस सर लिए जो सर स्ट्रेन डायग्राम है उसमें अल्टीमेट स्ट्रेन गिवन है, ऐसा क्यों है? यस सर आई नो आइडिया सर। ठीक है, नेक्स्ट असम्पशन आप क्या बोले?
सर, वट वॉज नेक्स्ट अजम्पशन दैट यू टोल्ड? नेक्स्ट अजम्पशन है कि वो स्ट्रेस स्ट्रेन का वेरिएशन सर चेंज कर सकते हैं अपना अकॉर्डिंग टू लोडिंग एंड स्ट्रेन वैल्यू, और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइनिंग में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस वगैरह में अलग अलग वैल्यू देते हैं, मॉडिफाई करके वैल्यू देते हैं सर। ओके, ड्रॉ द डिजाइन कर्व फॉर द कंक्रीट. डिजाइन कर्व फॉर कंक्रीट, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द कंक्रीट. ओके सर। सर ओके, फर्स्ट वन यू रोड द एफ सी के, सो उस कर्व को क्या बोलते हैं? वेर यू रोड द एफ सी के? सर एफ सी के है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है कंक्रीट की आफ्टर 28 डेज? इज इट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और कंक्रीट क्यूब? कंक्रीट क्यूब देन व्हाट और विल सर द 0.67 एफ सी के का मतलब है सर उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है क्यूब की, क्योंकि सर हम डिजाइन करते हैं तो अपन क्यूब मानते हैं 150 150 150 का, आंसर डिफरेंट डिफरेंट साइजेज हो सकती है क्यूब की, तो उसको और अपन एक्चुअल लोड एक्चुअल कंडीशन में सर थोड़ा और वेरी कर सकता है, इसलिए अपन इसलिए थोड़ा लिमिट करके लिए 0.67 एफ सी के लेते हैं, और सर हम 0.45 एफ सी के डिजाइन वैल्यू है कॉन्क्रीट क्यूब की। ओके, देयर इज अ डिजाइन वैल्यू, राइट. कैन यू ड्रॉ द सेम कर्व फॉर द स्टील आल्सो? सेम का फॉर स्टील आल्सो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर दिस डिफॉन्ड बार. सर, ओके, मार्क ऑल द पॉइंट्स. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कर्व? ओके, राइट राइट. डन. टेल मी हाउ टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस. डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस सर, उसमें अपन मोमेंट ऑफ एरिया और कंप्रेसिव साइड फोर्स का, कंप्रेसिव फोर्स का मोमेंट ऑफ एरिया टेंशन का मोमेंट ऑफ एरिया सर बराबर कर देंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स यू वैल्यू निकल के आ जाएगी, लाइक दैट 0.37 एक्स एफ सी के बी इंटू एक्स यू। सर लिख के बता दू फॉर्मूला, Yes, please write. एक्चुअली से निकल जाएगी। यू रोड द 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू एंड 0.87 एफ बाई ए एस टी. ओके, सो यू आर इक्वेटिंग द बोथ फोर्सेज टूगेदर, राइट? यस सर, सो इज देर एनी अजम्पशन इन दिस वन? अजम्पशन है कि सर जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस सॉरी लीवर आर्म दोनों के बीच में सेम होगा, डी माइनस पॉइंट फोर टू एक्स यू। लीवर आर्म दोनों में सेम होगा कैसे? द डिस्टेंस ऑफ लीवर आर्म बिटवीन कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंशन फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो तो दो फोर्सेस के बीच में आएगा ना, ये तो हमेशा सेम रहेगा. एक डायग्राम बनाओगे उसमें तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हो. यस सर,
अच्छा बताओ, तो इस इक्वेशन अगर लिखने में, यस सर, अगर सेक्शन ओवर इन्फोर्स होता है, यस अगर सर, सेक्शन ओवर इन्फोर्स होता है तो लीवर आर्म विल इंक्रीज और डिक्रीज? सर लीवर आर्म इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ड्रॉ करो डायग्राम। सर जो लेफ्ट साइड वाला कर्व है, लेफ्ट साइड वाला सर, ठीक वो बैलेंस सेक्शन के लिए डिजाइन करेंगे, तो है, ठीक इसमें दोनों पे स्ट्रेन की वैल्यू एक साथ रीच कर जाएगी। सर ओवर रेनफोर्स केस में कंक्रीट में पहले अपनी स्ट्रेन वैल्यू रीच कर जाएगी 0.0035, और सर स्टील के अंदर थोड़ी कम होगी 0.02.87 FEA से, तो इसकी न्यूट्रल एक्सिस थोड़ी नीचे शिफ्ट कर जाएगी। लेकिन सर दोनों का फोर्स का वैल्यू तो यहाँ पे आ रही है सेम पोजीशन पे, D-0.42 XU सर सेम मतलब आएगी। टेंशन आ रहा है, कंप्रेशन कैलकुलेट करो ना, कंप्रेशन कहाँ जाएगा? वो तो टेंशन रहेगा, स्टील तो चेंज हुआ ही नहीं, कंप्रेशन में डायग्राम पे एरिया चेंज हो जाएगा। न्यूट्रल एक्सिस ऊपर आइए नीचे आइए? ओवर एनफोर्समेंट नीचे आएगी। तो जब न्यूट्रल एक्सिस नीचे आएगा, तो जब आप ये रिजल्टेंट कंप्रेशन लिखे थे, इसमें आपने क्या किया? स्ट्रेस डायग्राम के एरिया नहीं लिखे हो यस सर, क्या? आप समझ पा रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर, यस सर, तो लीवर आर्म कांस्टेंट कैसे होगा फिर? सर क्योंकि सर कंक्रीट में अगर एरिया बढ़ रहा है स्टील की तरफ भी एरिया कम हो रहा है उसकी प्रपोर्शन में शायद। स्टील का एरिया कहाँ कम हो रहा है? वो तो एरिया हम कंसीडर नहीं करते, वी आर नॉट कंसीडरिंग, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे तो कंक्रीट हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट यस कंसीडरिंग। सर, यस सर, स्ट्रेन डायग्राम, आप स्ट्रेस सर स्ट्रेस लीवर आर्म को वेरी कर जाएगा, सर लीवर आर्म वेरी कर जाएगा सर। पहले तो आप बोल रहे थे वो कांस्टेंट रहता है। सर वेरी कर जाएगा, सोच लो, हो सकता है आप सही बोल रहे हो पहले। क्योंकि लीवर आर्म की वैल्यू D-0.42 XU होती है इन केस में। सर भी कंफ्यूजन में, सर भी रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलिए ओके, सो लेट मी गिव यू फीडबैक, क्योंकि आज मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा गोविंद, है सो क्योंकि अभी भी कैसा? टुडे आई विल नॉट गिव यू द मोर टाइम, एक्चुअली आई हैव ओके क्लास सर, एट द 5, सो आई एम जस्ट एंडिंग दिस सेशन हियर। लेट मी गिव यू फीडबैक, सो चीज़ों को पढ़ो और डेप्थ में पढ़ो। जैसे आपने लिखा सी इक्वल टू टी करेंगे, रिजल्टेंट कंप्रेशन इक्वल टू रिजल्टेंट टेंशन के बराबर करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अगेन हियर वी आर टेकिंग अजम्पशन कि हमारा जो स्टील और कंक्रीट है बोथ आर रीचिंग देयर वैल्यू साइमल्टेनियसली। अगर आप सी ओके इक्वल टू सर, टी करते हो, जितना आपका रिजल्टेंट कंप्रेशन है सी, जितना आप रिजल्टेंट टेंशन कैसे निकला, 0.87 FY × ST, स्टील इतना ही फोर्स यस उठा सर, सकता है और कंक्रीट कितना फोर्स उठा सकता है, दैट यू कैलकुलेटेड 0.36 FCK B × XU, दोनों एक साथ अपने यस फोर्स सर, को रीच कर रहे हैं। इट मीन्स अगेन आप एक बैलेंस कंडीशन लेके लिख रहे हो चीजें। यस सर, वी आर राइटिंग द दिस सी इक्वल टू टी एज अ बैलेंस कंडीशन, क्योंकि हमें और कोई यहाँ पे तरीका नहीं है लिखने का, और उसके बिहाफ के ऊपर फर्दर हम ये चेक कर रहे हैं कि सेक्शन मेरा अंडर है, ओवर है या बैलेंस है। यस सर, यही मैंने आपसे पूछा था कि ये जो आपने फॉर्मूला लिखा, इसमें क्या एजम्पशन थी हमारी? एजम्पशन यही थी जो बताइए, और लीवर आर्म वाला मैंने आपको ओके बता दिया। सर, ओके सर, ठीक है, अभी आपको चीजों को काफी और डेप्थ में पढ़ना है, राइट? ओके सर, डिजाइन को जो आप स्टडी कर रहे हो उसको पढ़ना स्टार्ट करो, उनकी अजम्पशन को अच्छे से गो थ्रू करो। मैंने आपसे पूछा कि ओके स्टील के सर, लिए क्यों मैक्सिमम स्ट्रेन गिवन नहीं है, कि अल्टीमेट स्ट्रेन क्यों नहीं लिखा स्टील के लिए?
यस सर, इसका रीजन ये है कि प्रैक्टिकली सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में इतना स्ट्रेन आप डेवलप कर पाओ कि स्टील अपने अल्टीमेट स्ट्रेन पे पहुंच जाए, उससे बहुत 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 पहले कंक्रीट फेल हो जाएगा। इसलिए हमने अल्टीमेट स्ट्रेन नहीं लिखा है स्टील के लिए, हमने यील्डिंग स्ट्रेन लिखा है। ओके दैट्स व्हाई सर, वी रोड द यील्डिंग स्ट्रेन। बस इतना सा आंसर करना था आपको। और यस आपसे सर, पूछ आपसे ये एजम्पशंस बोलेंगे वहां पे कि बताओ एजम्पशंस क्या है, और इनके डायग्राम ड्रॉ करवाएंगे प्रीवियस एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर दैट वी हैव। और इन यस इनसे वो छोटी छोटी चीजें आपसे पूछ जानना चाहेंगे कि बताओ क्या है, अगर ये बता पाए फिर वो आगे डिजाइन में चलेंगे। क्योंकि मेन तो एजम्पशन ही है, जब तक सर, एजम्पशन क्लियर नहीं होगी आप डिजाइन नहीं कर पाओगे। तो अजम से ढंग से पढ़ो उनको, डिजाइन वगैरह मतलब हाँ डायग्राम की डायमेंशन में। बिल्कुल अच्छे से देखो, आपने एजम्पशन पढ़ी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन जैसे मैंने आपसे सवाल किया कि अल्टीमेट स्ट्रेन क्यों नहीं लिखा स्टील के लिए, यस आर यू सर, गेटिंग? तो ऑलवेज रिमेंबर इफ यू आर कंपेटिबल टू आंसर द वाई पार्ट, इट मींस योर प्रेपरेशन इज अप टू मार्क। यस सर। ठीक है, तो तैयारी करो। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? सर मैं बोला था कि सर मैं बार के लिए और कौन कौन सब्जेक्ट प्रिपेयर करूं। सर मैं बेसिकली सॉन्ग, आरसीसी, सॉइल और एफएम प्रिपेयर कर रहा हूं। सही है, या मतलब इनके अलावा कुछ और प्रिपेयर करूं? ठीक है, हाईवे व्यू इन्वायरमेंट उठा लो, एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट उठा लो, हाईवे उठा लो, मतलब मेजर वाले एनवायरनमेंट जो और हाईवे। सब्जेक्ट है ना, मेजर जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे आरसीसी आपने उठा लिया, अगर आपने यहाँ पे सवाल उठा लिया, आपने सोम उठा लिया, एफएम उठा लिया, एक सब्जेक्ट और उठा लो, पांच सब्जेक्ट को आप लेके चलो अपने। ओके सर, सर मैं नेक्स्ट टाइम